Myself, Dr. Roshani Gadge, diabetologist. और आज हम gestational diabetes के बारे में discuss करेंगे. Gestational diabetes होता क्या है? तो अगर कोई भी लेडी अगर उनकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर फर्स्ट टाइम उनका शुगर ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल से अगर ज्यादा दिखा रहा है तो हम उस लेडी को gestational diabetes करके लेबल करते हैं. gestational diabetes किन किन महिलाओं को हो सकता है तो उनके रीजन है पहला कि जो भी लेडी ओवरवेट है ओवरवेट मतलब जिनका भी BMI अगर 25 से ज्यादा है तो वो ओवरवेट कहलाती है तो इन सभी लेडीज को gestational diabetes हो सकता है. अभी आप सब लोग बोलेंगे कि BMI हमको कैसे पता चलेगा तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे BMI कैलकुलेटर हैं. आप अपनी वेट और हाइट डालकर आप अपना BMI मेजर कर सकते हैं. सो जो भी कॉन्शियस लेडी है जिनको भी आगे चल के प्रेगनेंसी रखना है तो शी कैन मैनेज हर BMI लेस देन 25 अगर वो gestational diabetes से बचना चाहती है. Second most important reason for gestational diabetes is polycystic ovarian syndrome. जिनको भी teenagers में अगर polycystic ovarian syndrome है तो उनको बहुत ज़्यादा chance है gestational diabetes होने का. Third important reason है अगर उनकी family में type 2 diabetes का अगर बहुत ज़्यादा incidence है तो ये महिलाएं भी gestational diabetes का शिकार हो सकती है. अगर कोई महिला को फर्स्ट प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है तो उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज होने का बहुत ही हाई चांस होता है. तो ये सभी महिलाओं ने जेस्टेशनल डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है.